एविक एंटरटेनमेंट दिल्ली द्वारा मिस एंड मिसेज यूनिवर्सल इंडिया 2019 का ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम करनाल रोड मोहन विलास रिजॉर्ट दिल्ली पर आयोजित किया गया। इस शो में देश भर से 75 मॉडल द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व मुरादाबाद की प्रियंका गोयल पत्नी शिशिर गुप्ता द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत के कोने कोने से प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और इस ग्रैंड फिनाले प्रतियोगिता में मुरादाबाद का नाम रोशन करते हुए द्वितीय राउंड अप में मुरादाबाद की प्रियंका गोयल को द्वितीय रनर अप घोषित किया गया। मुरादाबाद पहुंचने पर प्रियंका गोयल का गौर ग्रेजियश अपार्टमेंट में जोरदार स्वागत किया गया और कहा गया कि प्रियंका गोयल ने हमारे मुरादाबाद का नाम रोशन किया है, यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। इस जीत का सेहरा प्रियंका द्वारा अपने पति शिशिर कुमार गुप्ता को दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे हर कार्य में पति का सहयोग रहता है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरी मदद करते हैं। साथ ही प्रियंका गोयल द्वारा मुरादाबाद की जनता का भी आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे शुभचिंतक मेरे लिए दुआएं करते हैं। सबसे पहले तो इनको बधाई बहुत बहुत जो इन्होंने इतना प्रयास किया। इनका एक ड्रीम था कि मैं मॉडलिंग करूं और ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि शादी के बाद मॉडलिंग करूं, क्योंकि जनरली अक्सर लोग करियर जब शुरू करते हैं इसमें तो वो शादी से पहले करते हैं, लेकिन उन्होंने शादी के बाद जब मुझे बताया तो मैं इनको प्रेरणा दी कि नहीं, यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो और आप इसके अंदर जो है स्टार्टिंग करो। इन्होंने जो है जो उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है वो घर से ही शुरू करी यूट्यूब देख करके। बता जाऊँगा क्योंकि हाउस वाइफ है तो इन्होंने उसका यूज़ किया मोबाइल का अपने और उसको जो है यूट्यूब चैनल से देख करके प्रेरित हुई और उसकी जो है स्टेप सीखे। इसके साथ साथ इन्होंने मुरादाबाद, सबसे पहला इन्होंने ऑडिशन मुरादाबाद में दिया, मिसेज मुरादाबाद में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर ये इन्हें टाइटल मिला ब्यूटीफुल आइज का। उससे इनका हौसला बढ़ा, फिर इनके संपर्क में आए इविक एंटरटेनमेंट वाले लोग जो इसमें मिस्टर विहान सर थे जो इसके ओनर हैं और जिनके बैनर तले ये कार्यक्रम होता है। उन्होंने विभिन्न स्टेटों से जो है चूज किया लोगों को और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मुरादाबाद से यानी कि यूपी से हमारे वो इनका चयन हुआ। जब ये चयन होकर के दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में 3 दिन की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग में इन सभी जितने भी हमारे देश के जो स्टेट हैं वहाँ से चुने के आए थे प्रतिभागी लोग, उन सभी लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट की और फिर ग्रैंड फिनाले फाइनली मोहन विलास करनाल रोड दिल्ली में जो है आयोजित किया गया और भव्य समारोह था। बड़े बड़े उसमें सेलिब्रिटीज आए थे और उसमें जो एक ग्लैमरस था होना चाहिए वो ग्लैमरस वहाँ पर दिखाई दिया और उसमें इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया और ये सेकंड रनर अप के रूप में मिसेस चुनी गई और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और दो मते की आपने अपने सपने साकार करने के लिए क्या प्रयत्न किए? मैंने अपने सपने साकार करने के लिए बहुत कोशिशें की थी। अपना जितना भी हो सकता था उतना पूरी तरह से प्रयास किया था कि हाँ मैं करूँ, कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ, बट मुझे करना है, ये मैंने सोच रखा था कि हाँ मुझे कुछ करना है। अपने इस मकसद तक आप कैसे पहुँची? मकसद तक मैं अपने मकसद तक पहुँची थी इविक एंटरटेनमेंट के जरिए। मेरे सपनों को एक्चुअली उन्होंने ही आगे बढ़ाने में का मौका दिया था। यहाँ पे ऑडिशन हुआ था मुरादाबाद में और उसमें मुझे चुना गया था। वहाँ दिल्ली में ग्रैंड फिनाले हुआ था जिसमें मैं सेकंड रनर अप रही हूँ